So what which one was yours life changing film? You know, मेरे लिए कोई एक फिल्म लाइफ चेंजिंग नहीं है. मुझे मेरे लिए कई फिल्में हैं जो लाइफ चेंजिंग रही हैं, जिनका बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पर. आई थिंक रंग दे बसंती उसमें से एक है, थ्री इडियट्स उसमें से एक है, सरफरोश उसमें से एक फिल्म है जिसका बड़ा गहरा असर हुआ मुझ पर जब मैंने उसमें काम किया, लगान, ये सारी फिल्में, तारे ज़मीं पर का बड़ा गहरा असर हुआ मुझ पर. मुझे बहुत कुछ समझ में आया ज़िंदगी के बारे में, बच्चों के बारे में, रिश्तों के बारे में. तो ये सारी फिल्में हैं जिनका बड़ा गहरा असर हुआ मुझ पर. ऑल ऑफ देम हैव अफेक्टेड मी इन सम वे. कुछ ना कुछ असर हर फिल्म का हुआ है मुझ पर. जी, दंगल इज ऑलमोस्ट 90%. दंगल में अभी देखिए चैलेंज बड़ा बाकी है. आप सब तो ये पता ही था कि दंगल के लिए मैं हुआ हूँ, लेकिन बहुत हम लोग ये पता है कि दंगल के लिए वजन कम करना है, बॉडी बनानी, क्योंकि फिल्म की बात है 10% का, उसमें मैं रेसलर हूँ सुशील कुमार जी. तो अब जो मुखा का पोर्शन था, जो पोर्शन था वो भी होने को आया है, और अब मैं वजन कम करना शुरू किया, और वो जो 15% है जून होगा. तो माय नेक्स्ट चैलेंज इज एक्चुअली कम बैक इनटू, जैसे गजनी था, जैसे गजनी में मेरी बॉडी थी, धूम थी मेरी बॉडी, वो भी मुझे अब आनी है. मेरा वजन घटना शुरू हुआ. वेरियस मैगजीन्स, वेदर इट वाज, in fact Ronnie liked the image and we put it out in the market, and all the distributors sent back all the posters. We still remember 2,500 posters came back to us. Yaar isme Aamir Khan ki shakal nahi hai, tum mere ko peet kyun dikha rahe ho? So ye kaisa ho gaya tha, to humne kaha sahi hai, hamara poster 2 bhi tha, ek this was the teaser ki hum tease kare logo ko. Aur and first would be the backs, and then they would turn around in the next poster. So we jo hota hai, it was a strategy, but teaser poster came back to us. And then mazey ki baat ye hai ki when the media picked it up, somehow they stayed with some. So I still remember the Sensex had crossed 10,000, so Economic Times half page they printed this image saying something. Various magazines, whether it was Outlook, whether it was various, they kept using this image. Somehow this image was given back to us by the media, and then it kind of stuck on and became cult. Yeah, this one, and it later just percolated into real life as well with the entire Jessica Lal murder case and many other cases. How do you look back at that particular thing? आई थिंक ये फिल्म का जो असर हुआ बहुत गहरा हुआ ऑडियंसिस पर, और एक बहुत ही अलग लेवल पे ये फिल्म लोगों के जहन पे छा गई, उनके जज्बातों के साथ घुल मिल गई. तो लिहाजा आई थिंक परहैप्स दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट देयर वाज अ, पहली दफ़ा हुआ कि लोग बाहर निकले अपने घरों से और उन्होंने किसी चीज़ के लिए एक होकर आवाज़ उठाई. तो ये फिल्म का कमाल है कि फिल्म का इतना गहरा असर हुआ न सिर्फ हम लोगों पर जिन्होंने फिल्म बनाई, लेकिन हमारी ऑडियंसेस पर भी. जी, गुड इवनिंग प्रसून, वन क्वेश्चन फॉर यू अबाउट खून चला, द सॉन्ग दैट यू रोट, आई थिंक वेरी वेरी पावरफुल लिरिक्स समवेयर. हाउ डू यू लुक बैक एट खून चला, इफ यू कैन जस्ट टेल? ओह, खून चला इज अ वेरी स्पेशल सॉन्ग टू मी एंड आई. सो इज देयर एनी मैसेज इन दिस फिल्म दैट रेजोनेटेड विद यू, दैट हैज स्टेड विद? या यू नो, जो ये फिल्म का जो मेन मैसेज है वो यही है कि हम सब हमारे समाज में देखते हैं कुछ चीज़ें हो रही हैं, और अक्सर हम उससे अलग रह जाते हैं, उससे हम जुदा हो जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है यार हमारी ज़िंदगी ठीक चल रही है, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे आगे मेडिसिन करना है, या मैं इंजीनियर हूँ, या मेरा बिज़नेस है, जो भी हमारा काम काज है, मैं किसी चीज़ में क्यों पढ़ूँ, अक्सर हमारा ये. तो ये फिल्म हमें ये बात बताती है, ये फिल्म हमें ये कहने की कोशिश कर रही है कि अगर हमारे समाज में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई कठिनाई है, तो वो हमें ही साफ करना है, वो हमें ही उसको बनाना है, वो हमें ही उसको ठीक करना है. कोई अमेरिका से, जापान से कोई आके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला. तो हमको ही फेंस, जो बोलते हैं ना फेंस सिटर्स, हमको फेंस से उतर के हमको ही, अगर हाथ मैले करने हैं तो हाथ मैले करने होंगे, लेकिन हमें हमारा देश जो है हमें ही बनाना है. वी हैव टू बी इन्वॉल्व इन नेशन बिल्डिंग. तो ये यूथ के लिए मैसेज था, ना सिर्फ यूथ के लिए बल्कि हम सब के लिए.
ये एक मैसेज था इस फिल्म का कि हमें हमारे देश के साथ जुड़ना है, हमें हमारी मिट्टी के साथ जुड़ना है, और यहाँ जो कुछ भी तकलीफें हैं उसके साथ हमें ही जूझना है और हमें ही इसको आगे ले जाना है. ये मैसेज था इस फिल्म का. तो आई थिंक ये असर हम सब पे कुछ ना कुछ हुआ है, आई फील. Amir, it must be asked your question, your remark on intolerance. Actually, मुझे क्या लगता है कि कुछ लोग हैं जो मेरी बात समझ पाए हैं और कुछ लोग हैं जो मुझसे नाराज़ हैं, और उनकी जो नाराज़गी है वो मैं समझता हूँ एक्चुअली. और अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी नाराज़ होता, क्योंकि उनको कुछ ऐसा बताया गया जो सच नहीं था. उनको ये बताया गया कि आमिर खान जो है वो देश छोड़ना चाहता है. आपको क्या लगता है? तो अगर मुझे भी कोई कहे कि भाई फलाना ढमका जो है वो देश छोड़ना चाहते हैं, तो मुझे भी बुरा लगेगा, यार मेरा देश है आप छोड़ के जा रहे हो, इतना बुरा तो नहीं है. तो ये जो उनको बताया गया आम इंसान को, आम नागरिक को हिंदुस्तान के, कि आमिर खान देश छोड़ना चाहता है, आपको क्या लगता है? तो ज़ाहिर बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगता अगर मुझे कोई ऐसा कहता. तो वो मैंने कभी कहा नहीं. तो लिहाजा जो लोग शायद मुझसे नाराज़ हैं उनकी नाराज़गी मैं समझता हूँ, मैं उनको दोष नहीं देता, क्योंकि उनको गलत फहमी हुई है. इसका इसकी कुछ हकदार आप मीडिया भी हैं, जो आपने यही सवाल सबको पूछते गए कि किरण जी आमिर खान जो है वो देश छोड़ना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? जो इसमें कोई सच्चाई नहीं थी. मैं एक दफ़ा ये साफ कह दूँ सभी को, हिंदुस्तान के सभी लोगों को, कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं मैं मरूँगा.